जिला बोरवेल एसोसिएशन इन दिनों हड़ताल पर है और इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने गिरिडीह कॉलेज के समीप सोनबाद में चर्चा की। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बाबत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण बोरिंग गाड़ी संचालकों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर पिछले दो दिनों से एसोसिएशन का हड़ताल लगातार जारी है और यह हड़ताल 6 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें जिले के तमाम बोरवेल मालिक अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बाबत एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि यह हड़ताल 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा की जाएगी और उसी बढ़े मूल्य के आधार पर बोरिंग होगी। मौके पर अध्यक्ष संजय मंडल, सचिव कमलेश कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार साव, उपाध्यक्ष नसीम अंसारी, उप सचिव कृष्ण कुमार पांडे, विनोद कुमार मंडल, कैलाश मंडल, टिंकू कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मंडल, जगदीश मंडल, दीपक कुमार, विनोद कुमार मंडल, गुलाम मोहम्मद, उमेश प्रसाद, गुलाब कुमार, रामदेव शर्मा समेत अन्य कई बोरिंग वाहन के मालिक उपस्थित थे। डीजल और स्पेयर पार्ट्स और केसिंग का रेट बढ़ जाने के कारण हम लोग का बहुत दिनों से लॉस में जा रहे हैं। बहुत ऐसा ओनर है जिसका 3 गाड़ी है 4 गाड़ी है, वो उसको कुछ मैनेज भी हो जाता है, जिसका 1 गाड़ी उसको किस्ती भी नहीं भर पा रहा है। ये मनमानी के खिलाफ सब जो एकजुटता दिखाते हुए 5 दिन का हड़ताल में हैं और 6 तारीख से हम लोग एक निश्चित दर तय करके हम लोग काम को फिर से चालू करेंगे। 90 रुपया बोरिंग का रेट अभी चालू होगा और केसिंग 150 रुपया अभी तय दर हुआ है। डीप बोरिंग क्वालिटी के हिसाब से 150 से ऊपर ही होगा। न्यूनतम रेट केसिंग का 150 रुपया और डीप बोरिंग 125 रुपया होगा और डीप बोरिंग का केसिंग का रेट 270 रुपया से चालू होगा, 400 तक जाएगा पीवीसी का, प्लस उसमें एमएस भी लगता है तो उसका रेट अलग है। यही हम लोग का थी है, इसी पर रेट रख के हम लोग 6 तारीख से हम लोग चालू करेंगे।